सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अंतर्गत भूमंडलीय विश्व को बनना पड़ रहे थे। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह से देश में जो है एक वैश्वीकरण आया, किस तरह से विकास हुआ, किस तरह से उपनिवेशवाद हुआ और उसके बाद फिर वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। तब इस उपनिवेश क्या था वह भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से विश्व वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला वह भी मैंने आपको थोड़ा सा समझा चुकी थी। अब आगे देखेंगे हम इसमें कि महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, मतलब जो महायुद्ध हुए थे आप लोग को पता है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इस तरह से जो हुआ ये एक तरह से महायुद्ध इसलिए कहा जाता है, उसमें जन और धन दोनों की बहुत ही ज्यादा हानि होती है। जब पहला विश्व युद्ध हुआ था यूरोप से ही लड़ा गया था, जिसमें उसमें बहुत सारी दुनिया जो थी महायुद्ध में शामिल हो गया था। उसमें दो पक्ष थे, दोनों पक्ष में किसी ना किसी पक्ष में शामिल होकर उसमें उनको लड़ना ही था। और इस सब में ऐसे संकट में उस समय ये युद्ध ने जकेल दिया जिसमें कि चौतरफा आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी। उस युद्ध से क्या हुआ था, चौतरफा जो है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्या जो है वह उत्पन्न हो गई थी। और यह एक तरह से बहुत ही बड़ा विनाशकारी युद्ध था। फिर आगे देखेंगे कि हम युद्धकालीन रूपांतरण, युद्धकालीन रूपांतरण मतलब युद्ध के समय क्या हुआ है। पहला विश्व युद्ध दो खेमों के बीच लड़ा गया था, जिससे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। एक पाले में मित्र राष्ट्र थे जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस थे, और दूसरे पाले में कुछ केंद्रीय शक्तियां थी जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी थी और ऑटोमन थे। और कुछ उपनिवेश ऐसे थे जिनको किसी ना किसी, जो राज्य थे या कुछ देश थे जो कि छोटे छोटे देश थे, उनको किसी ना किसी राष्ट्र की तरफ से युद्ध लड़ना अनिवार्य हो गया था। इस तरह से यह युद्ध जो ज्यादा से ज्यादा क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा यह सोच रहे थे, लेकिन वह 4 साल से भी ज्यादा समय चला। मतलब उन्होंने क्या सोचा था कि यह बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन यह युद्ध जल्दी खत्म नहीं हुआ था। इस तरह से मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था, जिसमें कि युद्ध में दुनिया की सबसे बड़ी अगुआ औद्योगिक राष्ट्र जो थे एक दूसरे से जूझ रहे थे, और साथ ही साथ सबको के नेस्त नाबूद करने के लिए उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्तियां भी इकट्ठा हो चुकी थी। उस समय हम देखेंगे हिरोशिमा और नागासाकी का भी है, जहाँ के बम गिराए गए थे, वहां का असर अभी भी देखने को मिलता है कि कई लोगों को बीमारियां जो है पुरानी है, और कई लोग जो है वंशानुगत वो बीमारी चली आ रही है। इसलिए देखेंगे यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था, क्योंकि यहाँ पर मशीन गन, टैंकों, हवाई जहाजों और रासायनिक हथियारों को भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। और यह सब जो थी वह असंख्य उद्योगों की देन थी, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, कई सिपाहियों की भर्तियां की जानी थी, और उसमें विशाल जलपोतों और रेलगाड़ियों में भी भरकर युद्ध की जो चीजें हुई थी वह युद्ध क्षेत्र तक ले जाया जा रहा था। और इसमें का युद्ध में मौत और विनाश उसकी जैसी भीषिका जो रची गई थी वह कल्पना भी नहीं की जा सकती। मतलब उस समय जिन लोगों ने देखा होगा, हम कल्पना करने से ही हम कांप जाते हैं। तो इस तरह से युद्ध संबंधी जो सामग्री थी उसका उत्पादन करने के लिए जो सामग्रियां थी उसके उत्पादन करने के लिए उद्योगों को पुनर्गठन किया गया था। इस तरह से देखेंगे कि हमारे जबलपुर में भी कई औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे गन कैरिज फैक्ट्री है, खमरिया फैक्ट्री है, VFG है, तो कहीं पर बम बनते हैं, कहीं पर तोप बनते हैं, कहीं पर युद्ध वाली गाड़ियां बनती हैं, कहीं पर बम के कोड बनते हैं। इस तरह से क्या हुआ, ये विनाशकारी चीजों को जो बम युद्ध संबंधी जो सामग्रियां बन रही हैं, इस तरह से उद्योगों को बढ़ावा वहां पर मिला। फिर वहां आगे और देखेंगे जब इसको संचालन करने में हमने औरतों को भी बाहर आना पड़ा, क्योंकि युद्ध जो था उसमें लोगों को भी अब तक सिर्फ इस चीजों में सिर्फ मर्द ही आगे थे, लेकिन बाद में औरतों को भी यहाँ पर आना। और युद्ध के कारण ही सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच जो युद्ध जो आर्थिक संबंध थे, युद्ध के कारण जो थे जो आर्थिक संबंध उनके बने हुए थे वह भी टूट गए थे, और एक दूसरे के बदला लेने के लिए वे उस समय उतारू हो गए थे। मतलब किसी न तरह से अपने उपनिवेश को भी बढ़ाना और साथ ही साथ अपने अस्तित्व को भी बनाए रखने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और जीतने के लिए उतारू हो गए थे। फिर युद्धोत्तर सुधार, युद्ध के बाद क्या हुआ, जिसमें कि यहाँ पर देखो स्थायित्व और नियंत्रण की जिसमें संपदा की ज्यादा मतलब नुकसान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हो चुका था। फिर युद्धोत्तर सुधार, युद्ध के बाद जो सुधार क्या क्या हुआ, युद्ध के बाद जो आर्थिक स्थिति की पटरी में लाने के लिए
रास्ता काफी मुश्किल हो चुका था, क्योंकि हमने देखा कि जन और धन दोनों की हानि बहुत ज्यादा हो चुकी थी, बहुत ही क्रिटिकल स्थिति में उत्पन्न हो गई थी। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे युद्ध से पहले ब्रिटेन, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिससे भारतीय बाजार में सबसे पहले अर्थव्यवस्था स्थिति से प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि ब्रिटेन जो था वह औद्योगिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा था और साथ ही साथ औद्योगिक क्रांति जो है वहीं हुई थी, और उसके साथ साथ सबसे पहले जो भारतीय बाजार में वर्चस्व जो स्थिति के प्राप्त थे और ये उससे फिर से वर्चस्व प्रस्थित करना चाहते थे और उसे जापान से भी उसको मुकाबला करना था, क्योंकि वहां पर जापान भी जो था एक अच्छे स्थिति में आ चुका था, वह भी अपने देश का विकास करना चाह रहा था और आर्थिक स्थिति को सुधारना चाह रहे थे। युद्ध के कारण जो आर्थिक उत्साह का जो माहौल था वह भी ऐसा पैदा हो गया था कि जिसमें कि क्योंकि मांग और उत्पादन और रोजगारों की भारी इजाफा हुआ था, क्योंकि जब युद्ध हुआ था तो इस सब चीजों में यहाँ पर क्या क्या हुआ था, मांग युद्ध के कारण क्या हुआ था, आर्थिक उत्साह का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, उत्पादन रोजगार और भारी इजाफा हुआ था, मतलब इन सब चीजों की मांग बढ़ने लगी थी। युद्ध के कारण बेरोजगारी भी बढ़ गई थी, लोगों के रोजगार छिन गए थे और कई उद्योग खत्म हो गए थे। इस तरह से युद्ध भारी भूकंप युद्ध संबंधी व्यय को भी कटौती शुरू कर दी गई थी, ताकि शीतकालीन करों में सहारे जो था वह भरपाई की जा सके, मतलब उस समय टैक्स बढ़ा दिया गया, उसके माध्यम से जो भी भरपाई थी, जो नुकसान हुआ था उसको पूरा करना आवश्यक होता था। और युद्ध के बाद जो है अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का आग बन गई थी, क्योंकि यहाँ पर अनिश्चित और बेचैनी इसलिए बनी हुई थी कब कौन कैसे आक्रमण करेगा, मतलब जिस तरह से शीत युद्ध बोलते हैं, मतलब ऐसा रहता है कि युद्ध होता नहीं है लेकिन युद्ध की स्थिति समझ में आती है। फिर बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग, अब उत्पादन क्या है और उपभोग क्या है, उत्पादन वह है जिसको हम उत्पादन करते हैं, वस्तु जब उत्पादित होती है तो वह उत्पादन कहलाता है, उपभोग क्या होता है जिसका उसका हम उपयोग करते हैं वह उपभोग कहलाता है, मतलब जो हमारी आवश्यकता की वस्तु है हम उसका हम उपभोग करते हैं, मतलब उपयोग करते हैं, और हमारी आवश्यकता वस्तुओं का उत्पादन जो है फैक्ट्रियों या उद्योगों में होता है। इसी तरह से हम आगे देखेंगे कि जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी यह झटका लगा था, क्योंकि यह भी शुरुआती दशक में यह भी अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगी थी। युद्ध के पहले क्या हुआ था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो थी वह भी तरक्की के रास्ते पर तेजी से बढ़ने लगी थी, लेकिन यह युद्ध के कारण उनको भी इस परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। 19वीं सदी के आखिर में ही शुरू हो चुका था, क्योंकि 1920 के दशक में यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गई थी, क्योंकि यह भी उस समय आगे बढ़ गया था। क्या हुआ था, औद्योगिक उत्पादन की विशेषता बन गई थी और उत्पादन जो था वह बहुत ही देशों में विख्यात हो चुका था। इस तरह से देखते देखते हम देखेंगे कि जब फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन के तरीका समय समय पर पैसे दोनों के लिहाज से किफायती साबित हो सकती है, मतलब जब हम ये उत्पादन कर रहे हैं तो यातायात के लिए भी इन सब चीजों की आवश्यकता होगी और खास पुर्जे को ही हम उसमें लगा सकते हैं जिसमें कि मशीनों को ढंग से मतलब बार बार उनको उपयोग किया जा सके, बार बार उनको चलाया जा सके, जल्दी से वे नष्ट ना हो, इस तरह से आवश्यकता शुरू हुई। फिर शुरुआत में ही फोर्ड फैक्ट्री में मजदूरों की असेंबली लाइन पर पैदा होने लगी थी, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि युद्ध के बाद मांग बढ़ गई थी, उत्पादन बढ़ गया था, उपभोग बढ़ गया था और रोजगार की डिमांड भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। तनख्वाह बढ़ाने, मतलब यदि वह हेनरी फोर्ड के मुनाफे को भी कमी आई थी, जिससे कि भरपाई जो है वह करने के लिए वे क्या किए थे, अपनी असेंबली लाइन की रफ्तार को बार बार बढ़ाने लगे थे, जिससे कि मजदूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता रहता था, क्योंकि उस कमी को पूरा करने के लिए वह ओवरटाइम तो कराते थे लेकिन उनको जो आय था वह सिर्फ उतना ही उनको दिया जाता था। इस तरह से वे जो भी भरपाई थी उसको उस तरह से वो पूरा करते थे। और इस तरह से बृहद उत्पादन की पद्धति इंजीनियरिंग आधारित चीजों पर लगातार लागत की कीमत पर अपनी उपयोग कर रहे थे, क्योंकि यदि वस्तु पर लागत कम होगी तो उस वस्तु की कीमत कम होगी, यदि लागत ज्यादा होगी तो उसकी कीमत अधिक होगी। और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकते थे, क्योंकि उस समय जो मजदूर भी कार जैसी टिकाऊ वस्तु खरीद थे, क्योंकि उस समय 1900 अमेरिका में लाखों कारों का उत्पादन होता था और इस तरह से बहुत सारे लोग जो फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर्स, ये सारी चीजें वे खरीद सकते थे। फिर 1920 के दशक में आवास और निर्माण क्षेत्र में भी अच्छे उछाल से अमेरिकी संपन्नता को आधार पैदा हुआ था, क्योंकि उसके बाद दुनिया में सबसे बड़ा
संपन्नता का आधार, क्योंकि जैसे ही सुख उपभोक्ता की वस्तुएं मिलने लगी उसके बाद क्या हुआ, हमें रहने के लिए मकान चाहिए था, इसलिए जो आवास एवं निर्माण के लिए भी बहुत सारी चीजें, आवास और निर्माण में उत्पादन बढ़ाने के कारण इससे लोगों क्या हुआ, उपभोग के साथ साथ लोगों को निवेश करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि वे भविष्य के लिए अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जो है वे निवेश करके रखना चाहते थे, और रोजगार और आमदनी में भी इसके साथ साथ वृद्धि होने लगी थी और नए रोजगार को भी बढ़ावा मिला था। फिर देखेंगे महामंदी, महामंदी की स्थिति जो थी, आर्थिक महामारी की महामंदी की शुरुआत जो है 1929 में हुई थी। इसमें संकट के 30 के दशक में इसमें क्या हुआ था, रोजगार आय और व्यापार भयानक गिरावट दर्ज की थी। इसमें रोजगार आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज होने के कारण यहाँ पर एक जैसा नहीं था, कि सभी देशों में जो स्थिति थी वह एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्र में और समुदायों में सबसे बुरा असर पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेती हर उत्पादक जो थे वे कीमतों से ज्यादा भारी और ज्यादा समय तक कमी बनी रहती थी। क्यों? क्योंकि उनका एक मौसमी फल होता है, सिर्फ यदि होगा तो वह 90 दिन में ही फसल का उत्पादन होगा, उससे पहले नहीं होगा। इस तरह से उनको सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस तरह से महामंदी के कई कारण थे, जिससे पहले कि हम देख चुके थे, जैसे कि उत्तर विश्व में अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर थी, और उसके बाद कृषि क्षेत्र में भी अति उत्पादन की समस्या में चर्चा मतलब समस्या जो थी वह बनी हुई थी, और साथ ही साथ कई चीजें ऐसी थी जो कि उस समय कई कारण स्थिति खराब भी हो जाती थी, और किसानों को उसका आय इस तरह से घटने लगी थी, मतलब आधुनिक उपयोग खाद का उपयोग करना, इस तरह से कई बार भारी बारिश होने के कारण भी उनको नुकसान होता था, जो उनकी बीज थी बीज का बीज भी नहीं मिल पाता था, इस तरह से भी नुकसान होता था, और कई बार फसल आते आते आग लग जाना, में कई प्राकृतिक कारण भी ये महामंदी का सामना किसानों को करना पड़ता था। उसके आगे हम देखेंगे इसके फलस्वरूप भी बाजार में कृषि उत्पादों की आमद जो थी और भी बढ़ गई थी, क्योंकि इसके नीचे चली आई कई खरीदारों के अभाव में भी इस तरह से कृषि उपज मंडी में चीजें जो थी वह प्रसरण। और दूसरा कारण था 1920 के दशक में मध्य में जब सारे देशों में अमेरिका कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतें पूरी कर रहा था, उसमें अमेरिका कर्ज जुटाना बहुत आसान हो गया था, क्योंकि संकट के समय या संकट से निपटने के लिए ये सब बहुत ही आवश्यक था। कर्ज $1 अरब में था और साल भर के भीतर वह कर्ज को घटकर केवल चौथाई रह गया था, क्योंकि उन्होंने उत्पादन बढ़ाना चालू कर दिया था और जो कर्ज जो उन्होंने लिया था उसको जल्दी से जल्दी वे वापस करना चाहते थे। इस तरह से मजदूरों पर, कृषकों का, किसानों पर सब वहन करना पड़ रहा था। औद्योगिक देशों में यह भी सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा था, क्योंकि कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने बैंकों में घरेलू जो कर्ज देना था वह उन्होंने बंद कर दिया था, इस कारण उसे झेलना पड़ता था। भारत और महामंदी, भारत में जब महामंदी हुई तो उससे भी निपटने के लिए क्या कर सकते थे, इसमें भी हम ध्यान देंगे भारत में महामंदी का क्या असर पड़ा, और इस तरह से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक यहाँ पर एक हिस्से में पैदा होने वाली संकट को सिर्फ बाकी हिस्सा तक यह पहुंच सकती थी, और उसके बाद दुनिया भर के लोगों ने जिंदगी और अर्थव्यवस्थाएं और समाज को प्रभावित हो उठते थे, क्योंकि महामंदी के कारण स्वाभाविक है, जिस तरह से हम अभी कोरोना काल में देख चुके थे कि किस तरह से लोगों की अर्थव्यवस्थाएं, किस तरह से लोगों के रोजगार छिन गए थे, किस तरह से मतलब इस तरह से महामंदी उस समय भी लोगों ने बहुत सारी तकलीफें थे, बहुत सारी समस्याओं का उन्होंने सामना किया और बहुत सी परिस्थितियों से लोगों ने सीखा। तो इस तरह से हम देखेंगे कृषि वस्तुओं को निर्णायक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था, और महामंदी के कारण भारतीय व्यापार में भी फौरन प्रभावित किया, और उसके साथ साथ यहाँ पर शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारियों को ज़्यादा नुकसान हुआ था। जिससे हम देखें कि महामंदी का जो काल था उस समय किसको नुकसान ज़्यादा हुआ था, उनके मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब यहाँ पर हम आगे और देखेंगे, इसमें दिनों दिन जो कर्ज में लोग डूबते जा रहे थे, क्योंकि आवश्यकता की चीज़ों को पूरा करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए लोग कर्ज ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर जैसे चलो भाइयों नगद की उम्मीद में और पटसन जूट उगाओ, तो इस तरह से एक कविता बनी जिसमें पूरे देश में काश्तकार पहले से भी ज़्यादा कर्ज में डूब गए, और उसके चक्कर में उन्हें बेचकर मतलब उनकी जो बचत थी वह भी खत्म हो चुकी थी, और जो लाभ उन्हें मिलना था वह भी नहीं मिल पाई थी। इस तरह से यह स्थिति जो थी बहुत ही ज़्यादा दुखदायी थी।
तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो महामंदी के कारण जो है देश को बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कई कीमती धातुओं को खासतौर पर सोने के निर्यात करने लगे थे, और उसके साथ साथ वहाँ भी मंदी आई, और साथ में ही इस मंदी के कारण जो है भारत